जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं ECI स्टूडेंट T10 के आज के लास्ट मुकाबले की, जो कि EST यानी कि एस्टोनिया और GER यानी कि जर्मनी के बीच खेला जाएगा, है ना। अब इस वाले मैच के अंदर दोस्तों वो प्लेयर्स जो आपको सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने वाले हैं, साथ ही साथ सी और दोस्तों VC कौन कौन रहने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो पे जानेंगे। कौन से बैट्समैन लेने हैं, कौन से बॉलर लेने हैं, है ना, कौन कहाँ पे बैटिंग करेगा और कौन कहाँ पे बॉलिंग करेगा, ये सब आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल, जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, ठीक है। अगर तो आप कमेंट करोगे देन आपको GL की भी टीम मिलेगी। दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी सही हो चुकी है, ठीक है, इसलिए इस फर्स्ट वाले मैच की वीडियो नहीं आ पाई थी, बट इस ये वाली वीडियो आपको लाइव हो जाएगी अभी 15 से 20 मिनट के बाद, है ना। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। क्योंकि मैच में अगर बात करें ना, सो अभी लगभग 1 घंटा 19 मिनट लेफ्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर EST के साइड की बात करें ना, क्रिएट टीम पर चलेंगे। इसके बाद ये देखिए, अब तो EST का एक पिछला गेम ओपन किया जाएगा, जो कि आज ही हुआ था जर्मनी के साथ फर्स्ट मैच था दोस्तों, ठीक है। अब देखो अली मसूद, सैफुर रहमान, इसके अलावा डेविड रॉबसन, बिलाल मसूद। देखो अब बैटिंग पोजीशन की डाउन हो गई ना, वरना तो ओपनिंग पे आ रहे थे। इसके अलावा जीशान अली, असलान जो कि टीम के कैप्टन हैं, है ना, एस हुक दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन इनका कमज़ोर रहेगा, विकेट कीपिंग सेक्शन से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एस उर रहमान को आप ले सकते हो, ठीक है, गोंजल को ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी मसूद इंपॉर्टेंट रहने वाले, ए मसूद इंपॉर्टेंट रहने वाले, और जी अली, साथ ही साथ रॉबसन, डेविड रॉबसन, ठीक है। ये चार ऑलराउंडर से, क्योंकि दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है पता, पूरा स्पेल करने वाले हैं। अगर आप बैटिंग से देखो ना और बॉलिंग के लिहाज से देखो तो वन बाय वन सारे लाइन से हैं, ठीक है। सही, इनके साइड से ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं आपको, आप आराम से आग बंद करके टीम लगा सकते हो। एक तो कंपलसरी विकेट कीपर लेना पड़ेगा इनका, और ऑप्शन तो दोनों ही अच्छे हैं। तो देखें ज़रा जर्मनी के साइड से, तो इनका तो एक हेड टू हेड मैच हुआ था ना, इसे ओपन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अब्दुल अच्छी पारी खेल के गए थे, अजमत अली दोस्तों, अजमत अली ये भी ठीक ठाक रन करके गए थे, साहिद मकाश, ये दोस्तों ये भी बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाले, साथ ही साथ रोहित सिंह जो कि टीम के कैप्टन है। तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर तो मैं बताऊँ ना, सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रोहित सिंह, इसके अलावा मैंडी, अरे हमने किसे देखा था, ऑलराउंडर सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दोनों टॉप के बैट्समैन हैं, ठीक है। अब बैटिंग से खास तो नहीं है दोस्तों, शकुर का देखें बहुत नीचे है यार, स्किप कर सकते हो वैसे तो। रसूल हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट्स दे के जाएंगे, साथ ही मलिक आजी दोस्तों, है ना। ये देखिए फाइनल प्रीव्यू आप देख लीजिए, अभी एक चेंज यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, डी रॉबसन की जगह आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, और एक्स्ट्रा बैट्समैन कौन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो अब यहाँ से ना शकुर को आप ले सकते हो, शकुर को, ठीक है, इनको ले सकते हो आप इसकी जगह पे। एक सेकंड फिल्टर ऑफ करेंगे, ये देखिए डी रॉबसन की जगह पे, है ना, और ये चेंज करके आप सेम टीम को माई मास्टर 11 पे आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब टीम सेव करेंगे, और दोस्तों सी और VC बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है। सी और VC में ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, आंख बंद करके इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो आप। बात करें अदर CVC के, जिसमें कि ए मोहम्मद है, इसके अलावा मलिक जाई है, इसके अलावा और देखना चाहो ए मसूद है, रोहित सिंह हैं, इनके ऊपर कौन है दोस्तों जिनको हमने कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है। सो इनके अंदर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। फाइनल टीम का प्रीव्यू आप देख लो,
ये है एक चेंज जो मैंने बताया, वो चेंज करके आप सेम टीम को माई मास्टर बैटबॉल फेंटा फिट पर लगा सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर तो आपको वीडियोज़ के अंदर फाइनल टीम चाहिए ना, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक कर देना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मैं नेक्स्ट T10 मैच की प्रिपरेशन करता हूँ। धन्यवाद।